ऑफ सेंट्रल टेनेसी। Is left, okay. So first of all, we will do question number 9. That is the 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. You are given the number of letters 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20. And the number of surnames as 6, 30, 44, 16 and 4. जब हमारे पास इस तरह का डाटा होता है जिसमें आपके इंटरवल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कैसे आप एडजस्ट करोगे कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उन फ्रीक्वेंसीज को हम एक फॉर्मूला के थ्रू जो है इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो जहाँ पे आपके दो इंटरवल्स भी इकट्ठे आ रहे हैं। मान लो फर्स्ट इंटरवल अगर मुझे गिवन है 4 to 6 to का गैप है, अगर अगले वाला 6 to 10 का गिवन है वो 4 के अकॉर्डिंगली आपकी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको जो डेटा गिवन है दैट इज नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, and 12 to 20. And the corresponding जो हमें frequencies given है that are given to be 6, 30, 44, 16. And 4. अब जो हमने फॉर्मूला यूज करना है देखो वो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो क्लास विड्थ है वो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लास विड्थ जो मिनिमम वाली होगी, गॉट इट, उसको डिवाइड करेंगे जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ है मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिख लो बुक में यहाँ पे फॉर्मूला। This is your page number 252. अब इसमें देखो आपका क्या गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो इसका पेंसिल या पेन से। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय करंट क्लास विड्थ, यानी कि जो भी आपका या कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ, जिस किसी इंटरवल की हम बात करेंगे इससे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। सो दिस इज डिवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ। क्लियर, ठीक है, लिखूं मैं फॉर्मूला के, क्लियर है ये विड्थ। हाँ जी, मैं यहां लिख देती हूँ इसका, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपकी जो सबसे कम वाली है वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट क्लास विड्थ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ। अब ये देखो आपको क्लियर हो जाएगा यहां से, पेज नंबर 252 पे आपका इंटरवल गिवन है 0 to 20, 20, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगी, इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम्पल बुक में से ही देख लो, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 100.
फर्स्ट वाले का अगर आप विड्थ ऑफ द क्लास देखो दैट इज 0 टू 20, यानी कि क्लास विड्थ इज 20 माइनस 0, दैट इज 20. सेकेंड वाले की क्लास विड्थ इज 30 माइनस 20, यानी कि 10. थर्ड वाले की भी 10, फोर्थ फिफ्थ सिक्स की 10. देन लास्ट वाली जो क्लास विड्थ है दैट इज 70 टू 100, यानी कि 100 माइनस 70 दैट इज 30. कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी फ्रिक्वेंसी 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8 गिवन है. फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वहां पे दिया है बुक में, आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लेना. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ की लोएस्ट वैल्यू देखो क्या है, 10 है, एक 20 है, एक 30 है. 10 इज द लोएस्ट वैल्यू और उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, लोएस्ट वैल्यू यानी कि 10 डिवाइडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ. इस स्पेसिफिक क्लास की विड्थ कितनी गिवन है हमें, 20 मल्टीप्लाइड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. इसी क्लास विड्थ की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें, 7. सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट इंटरवल के लिए 20 टू 30 के लिए इस वाले की जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10. जो इस वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ है दैट इज ऑल्सो 10. लोएस्ट ऑलरेडी आपकी 10 है. इफ यू सी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वाला कॉलम आप देखो तो मल्टीप्लाइड बाय 10, ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास विड्थ जो है वो हर केस में आपकी सेम रहेगी. कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विड्थ चेंज होगी और ये वाली जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज. गॉट इट? तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है वो हर क्लास की जो आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लोगे उसके लिए सेम रहेगी. अब इस पे आएंगे हम, हमें क्या निकालनी है पहले बीच में, क्लास विड्थ. चलो 1 to 4 का कैसे, वही उसी के लिए ये एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हम इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे हैं. जब भी ऐसे क्लास इंटरवल आपके अनइक्वल गिवन होंगे तो वी आर टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? चलो क्या आएगा इसका, 1 to 4 का डिफरेंस 3, हाँ जी डिफरेंस लेना है. 6 और 4 का 2, 8 to 6 2, 8 to 12 4, 12 to 20 8. अब इसमें से लोएस्ट वाली कौन सी है हमारी, 2 है. तो 2 जो है वो आपका यहाँ पे नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. ठीक है, अब फर्स्ट वाले को हम चेंज करते हैं. एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 6 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 2 6 फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होके इसकी कितनी हो गई, 4. ठीक है, क्लियर? अब अगले वाले पे आओ, 4 to 6 पे 2 फिक्स रहेगा. कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 30. और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, 2 से. तो ये आपका 30 का 30 ही रहेगा. नेक्स्ट वाले पे ये 2 फिक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 44, डिवाइड ये 2 से ही होएगा तो ये आपका 44. अगला 2 फिक्स है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16. अब इसकी क्लास की विड्थ कितनी थी, 4, तो वो हम एडजस्ट कर रहे हैं. इसको रहने दो, 4 4 16 डायरेक्ट कट कर लो तो दिस इज 8. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 12 to 20 के लिए दिस इज 2 इज फिक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 4, क्लास विड्थ इज 8, तो दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब जो आपका इसका आपने बनाना है, क्या बनाना है इसका पूछा उन्होंने, हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए जो आप इंटरवल्स लेते हो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे. हम 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20 है तो हम 2 2 के गैप पे ले सकते हैं उसको. पहला मैंने ले लिया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12 एंड देन 14, 16, 18 एंड 20. अब जब आपने इसकी प्लॉटेशन करनी है वो आपने जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से करनी है. गॉट इट? अब प्लॉटेशन इस वैल्यू के हिसाब से होगी, 4 30 44 8 और 1. अब फर्स्ट क्या है हमारा इंटरवल, 1 2 4, और मैंने क्या लिया है, 0 से. तो यानी कि मैं यहां से जो है वो प्लॉटेशन शुरू कर, ठीक है, दिस इज योर 1. तो 1 2 4 पहले यहां पे भी ले लो, कितने कितने का गैप लोगे, 1 1 का, 2 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो. ठीक है,
मैं फोर का ले रही हूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 44 तक, सो 36, 40 एंड 44, ये रेज कर दूं। चलिए 1 to 4 में वैल्यू इज 4, तो ये 1 है, ये 4 है, दोनों को ज्वाइन कर दो। अब इसमें जो आपका ये बनेंगे ना रेक्टेंगल्स बनेंगे, इनकी विड्थ सेम नहीं आएगी, दिस विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस। पर क्यों? क्योंकि हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वैल्यू जो है वो हमारी इस पूरे इंटरवल के लिए अकॉर्डिंगली आएगी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर ये डाटा हमारा जो है इसमें क्लास इंटरवल्स इक्वल गिवन होते तब ये इस वे में आता। ठीक है, 1 to 4 में कितने आ गए, 4। नेक्स्ट क्या है, 4 to 6, 4 to 6 में कितना है, 30, तो 28 और 32 का हाफ, 4 to 6। अब देखो फर्स्ट वाला इंटरवल आपका क्योंकि 3 के उस पे बेसिस पे बना था, ये रेक्टेंगल आपका जो है वाइड आ रहा है रादर देन दिस एज कंपेयर टू दिस। अब नेक्स्ट है 6 to 8 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 44। Then 8 to 12, this is 8. ट्वेल्व टू 20, दिस इज 1. 4 का हाफ लोगे 2 आएगा, 0 और 2 का हाफ लोगे तो यू विल गेट 1. तो 12 से लेके 20 तक ये पूरा आपका एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, गॉट दिस? सो मेन जो इसमें काम करना है दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बच्चे जो है यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि ये आपके जो क्लास विड्थ है वो अनइक्वल गिवन है, डायरेक्ट उसको प्लॉट कर देते हैं। डायरेक्ट प्लॉट करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पहले आप कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद सिर्फ ये वाले कॉलम पे कंसेंट्रेट करना है वंस यू हैव कैलकुलेटेड, एंड ये वाली वैल्यूज पे कैलकुलेट कंसेंट्रेट करना है, और फिर आप अपना ग्राफ प्लॉट कर दोगे, हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट कर। हाँ जी, विजिबल नहीं है, इस साइड आ जाओ या तो आप, क्योंकि मैं डाइस भी नहीं साइड पे कर सकती ना। दिख रहे हैं? Is it done, बच्चे? Any doubt? If you are having, then you can ask. जो adjusted frequency कैसे निकालनी है? आपकी lowest जो class width है वो multiplied by the corresponding frequency divided by the corresponding width of the class. अब इसके बाद उसने क्या पूछा है? Write the class interval in which the maximum number of surnames lie. Maximum number of surnames lie in which class interval? 6 to 8. So that is your answer. अब ये रेज कर दूं। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? पहले पढ़ा हुआ है ना आपने जूनियर क्लासेस में, मीन पढ़ा हुआ है, क्या होते हैं? अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जब मीन निकाल लेते हो, क्या कभी आपने मीन को विद सम अदर वैल्यूज जो है कंपेयर किया है? क्या होता है उनका रिलेशन? जैसे मान लो मुझे, लेट अस सपोज कि ये नंबर्स गिवन है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इनका हम अगर मीन निकालें तो क्या आएगा? मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 6 आएगा। अब मीन जो होता है हमारा वो क्या होता है, दैट इज अ वैल्यू कि जिसके आप कह सकते हो कि अलोंग जो ये सारी बाकी की वैल्यूज हैं, जो बाकी का हमारा सेट ऑफ डेटा है
वो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि इसको अप्रोच कर रहा है। हम उसमें एक जो भी हमारा डाटा हमें गिवन होता है, सेट ऑफ डाटा हमें गिवन होता है, उसको हम एक सिंगल वैल्यू से कह सकते हो कि डिपिक्ट कर सकते हैं, कि जिसको ये सारी वैल्यूज, हम कह सकते हैं कि जो इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीडियन भी किया हुआ है आप लोगों ने और मॉड भी किया हुआ है, इसका मीडियन क्या आएगा? मीडियन विल अगेन बी 6। ऑलरेडी आपका डाटा अरेंज है इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज है। 5 टर्म्स है आपकी टोटल, तो जो सेंटर मोस्ट मिडल मोस्ट टर्म आपकी हो गई, दैट इज द मीडियन। जब हम मीडियन को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा डाटा इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज होता है, तो मीडियन के एक साइड वाली वैल्यूज जो है वो सारी की सारी वैल्यूज उससे लेस होंगी, एक साइड वाली सारी की सारी वैल्यूज उस स्पेसिफिक वैल्यू से जो हमारी मीडियन की वैल्यू है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। अगर मैंने इसको जैसे असेंडिंग में लिखा तो इधर वाली सभी वैल्यूज लेस, इधर वाली सभी वैल्यूज मोर। अगर इसको यही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इधर वाली वैल्यूज होनी थी मोर और इधर वाली लेस, तो दोनों में से किसी एक साइड पे सभी वैल्यूज उस वैल्यू से लेस होंगी और दूसरी साइड पे उससे कम होंगी। उसी में अगर हमने लेट अस सपोज कि मोड निकालना होता है, अब इस केस में इज देयर एनी नंबर व्हिच वी कैन स्पेसिफिकली से दैट इज द मोड ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। हर जो डेटा है हमारा, हर जो नंबर है दैट इज एग्जिस्टिंग वन टाइम, सभी का मतलब कह लो कि फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरिंग सेम है, तो या तो सभी के सभी मोड हो गए आपके या कोई भी मोड नहीं। तो मॉड अगेन क्या है कि जिसकी अकरेंस की फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम होती है, दैट यू टेक एज मॉड। अब ये जो सारे आपके हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इनको लेके मेजर कर रहे हैं अराउंड अ स्पेसिफिक वैल्यू, चाहे वो हमने एवरेज निकाली, मीन निकाली, अदर नेम ऑफ मीन यू नो इज एवरेज। ठीक है, तो एवरेज भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा, तो इट मीन्स यू आर टू फाइंड द मीन ऑफ दैट डाटा। तो आप चाहे उसका मीन निकाल रहे हो, चाहे आप इसका मीडियन निकाल रहे हो, चाहे आप उसका मॉड निकाल रहे हो, इट मीन्स यू आर मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। गॉट इट? तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ऑफ अ गिवन डाटा, कि जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के अराउंड बाकी सेट ऑफ डाटा जो है उसको कंपेयर करते हो। डिपेंडिंग ऑन मीडियन निकाला तो दैट इज द मिडल मोस्ट वैल्यू आ जाएगी, मीन निकाला तो वो एवरेज आ गई आपकी, मॉड निकाला तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक जो भी वैल्यू है वो आएगी। Got it? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गिवन है आपका। हमें एक सिचुएशन गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मैरी और हरी, दोनों के जो है 5 टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए, ईच ऑफ 10 मार्क्स, और दोनों के जो है टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें 5 क्वेश्चन थे ईच ऑफ 10 मार्क्स, उनके मार्क्स नोट डाउन कर लिए गए। अब हैरी का जो स्कोर था, दिस इज योर पेज नंबर 261, कंसेंट्रेट ऑन योर बुक, बुक आर यू हैविंग और नॉट? जब मैं पढ़ा रही हूँ ना उस टाइम में कोई ऐसी हरकत टॉलरेट नहीं करते, यू आर टू कंसेंट्रेट। सो हमें क्या गिवन है, मैरी का फर्स्ट क्वेश्चन में स्कोर इज 10, हरी का 4, सेकेंड क्वेश्चन में मैरी स्कोर्ड 8 एंड हरी स्कोर्ड 7, थर्ड क्वेश्चन में मैरी स्कोर्ड 9 एंड हरी स्कोर्ड 10, फोर्थ क्वेश्चन में मैरी स्कोर्ड 8 हरी स्कोर्ड 10 एंड फिफ्थ क्वेश्चन में मैरी स्कोर्ड 7, जबकि जो हरी था उसने कितना स्कोर किया, 10। अब जो है वो अगर हमें देना है कि हु स्कोर्ड बेटर, मैरी ने क्या किया, 5 क्वेश्चन से पांचों क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपना एवरेज निकाला, हरी का एवरेज निकाला, मीन निकाला दोनों का, एंड एक का मीन जो है दैट वाज 8.4 और दूसरे का जो मीन है वो कितना आया, 8.2। तो अगर मैथमेटिकली हम देखें तो विश्वन इज बेटर, 8.4 इज बेटर, तो मैरी सेड कि शी हैज स्कोर्ड बेटर। गॉट इट? उसके बाद हरी ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं मेरा स्कोर बेटर है। मैरी ने कहा कि शो मी हाउ इज इट बेटर। हरी ने क्या किया, दोनों के जो डाटा थे उनको अरेंज किया इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मीडियन निकाला तो उसने कहा कि ये देखो मेरा स्कोर इज बेटर। कितना आया मीडियन उसका, दैट इज अगेन गिवन टू यू, हरी का 10 और मैरी का 8। तो ऑब्वियसली अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 10 इज बेटर देन 8। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब दोनों का जो है झगड़ा शुरू हो गया, तो उन्होंने क्या किया अगेन, अब थर्ड पॉइंट ऑफ दिस सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर का देखा, दैट इज द मॉड। अब मॉड में बताओ किसका स्कोर बेटर होगा,
हरी का स्कोर बेटर होगा क्योंकि उसने 3 times जो है 10 स्कोर किया है. तो अगेन 2 cases में जो है वो हरी बेटर स्कोर कर रहा है, और अगर वैसे हम देखें तो मैरी बेटर स्कोर कर रही है अगर हम मीन देखते हैं. तो ये 3 different ways हैं हमारे जो आप कह सकते हो कि आपको डिपिक्ट मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज का जो है आप कंपेयर कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक वैल्यू के अलॉन्ग जो है वो इस स्पेसिफिक वैल्यू के अराउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. अकॉर्डिंग टू यू विच वैल्यू इज बेटर, मीन मीडियन या मॉड? अगर आपको कहा जाए इन दोनों के अकॉर्डिंगली तो आप क्या रिजल्ट दोगे? मीन दोगे. क्यों? मीडियन में भी हम उनको कंपैरिजन के लिए लेते तो है ही है. अच्छा चलो, यू आर सेइंग कि मीन से हमें करेक्ट स्कोर मिल रहा है. ठीक है, अब मैंने आपको डाटा दे दिया, 5 बच्चे हैं मेरे पास. ठीक है, हमने क्या करना है, जितना 5 बच्चों का स्कोर था उनका एवरेज निकालना है और हर बच्चे को वो एवरेज दे देना है. सो दिस इज द स्कोर. अब कैन यू से नाउ कि जो हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या ये बच्चा वो स्कोर डिजर्व कर रहा है? फिर जो बच्चा 0 number ले रहा है, अब उसको मैंने क्या कहा कि हमने अब एक क्राइटेरिया रखा कि हम जो है, या फिर चलो एक ही बच्चे के अगर हम सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, ये मान लो उसका सब्जेक्ट है जिसमें वो 0 ले रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स में ही स्कोरिंग 40, 39, 40, 41. अब हमने उसका जो है क्या करना है, मीन निकालना है. जैसे इस बार का +2 का हमारा आप कह सकते हो रिजल्ट बना, उसमें हमने क्या किया कि बच्चे का best 3 score ले लिया. ठीक है, best 3 का एवरेज हमने लिया और वो उसके हमने 10th के मार्क्स ले लिए. अब इन केस अगर वो इस तरह का डाटा था तो क्या ये मतलब हम कहें कि क्या ये जस्टिस है? एक सब्जेक्ट की बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बट हम उसको एवरेज दे रहे हैं, यहाँ इसकी एवरेज कितनी आएगी? What will be the average of this data? 32. अब जहां पे वो 0 स्कोर कर रहा है, मैं उस स्कोर को रिप्लेस कर रही हूँ 32 से. इज इट अ जस्टिस? क्यों? क्योंकि जब ये आप अगर इंडिविजुअली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है कि बच्चे का इस उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं. ठीक है, कि बच्चा आगे अगर इस सब्जेक्ट में जाएगा तो वो जो है कह लो कि फ्लरिश नहीं कर पाएगा, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं होगा. बट इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लो तो वो जो है आपको स्कोर बेटर देगा. लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, जिसके पास भी ये डाटा गया वो 32 स्कोर उसका दिखा रहा है, उसको 32 स्कोर दिखा रहा है, तो बच्चे का जो वीक पॉइंट था वो तो पता ही नहीं लगा आपको. अगर मान लो मैंने आपको ये डाटा दे दिया कि इस बच्चे का एवरेज स्कोर 32 है, अब एवरेज स्कोर में किस सब्जेक्ट में उसने क्या गेन किया? मान लो एक बच्चे का इंटरेस्ट मैथ साइंस में है, इंग्लिश SST में नहीं है. इंग्लिश SST में इंटरेस्ट नहीं है तो स्कोर डाउन आएगा. सेम वे में एक बच्चे का इंटरेस्ट इंग्लिश और SST में है बट मैथ साइंस में नहीं है, तो क्या होगा? अगेन स्कोर उसका उन सब्जेक्ट्स में डाउन होगा. तो बच्चे ने जब आगे जाना है, आगे अगर उसको किसी से गाइडेंस लेनी है कि मैं किस फील्ड में आगे जाऊं, साइंस के फील्ड में आगे जाऊं या आर्ट्स के फील्ड में आगे जाऊं, तो इस वाली एवरेज से आप उसको गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो 32 आपको एक मीन मिल गया कि हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 32 है, बट एक्चुअल स्कोर में मैथ्स में 0 या साइंस में 0, तो वो बच्चा साइंस के फील्ड में नहीं जा सकता. ठीक है, तो इट मींस कि हमारी लाइफ में या आप कह लो कि डिफरेंट जो है सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें अगर कहीं पे मीन आपको बेटर जो है रिजल्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं मीडियन बेटर इंफॉर्मेशन देगा, कहीं ना कहीं आपको मॉड बेटर इंफॉर्मेशन देगा. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वो वेरी करती हैं. अभी यहाँ आपका 9th 10th के लेवल तक मीन मीडियन मॉड ही आप लोगों ने करना है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको डिस्पर्जन भी साथ में आ जाती हैं कि डाटा किस तरीके से जो है डिस्पर्स कर रहा है, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं. बट आपके लेवल पे यू आर टू कंसंट्रेट ओनली ऑन मीन मीडियन एंड मॉड, और मीन मीडियन मॉड भी कहाँ क्या चीज यूज करनी है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. अब आपको क्लियर होगा कि हर जगह एवरेज जो है वो मैटर नहीं करती. गॉट इट?
सो लेट्स मूव ऑन टू द अच्छा मुझे ये बताओ मीडियन में कौन कौन सा फॉर्मूला किया हुआ है. मीन का फॉर्मूला तो चलो सिंपल वाला हो गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. पर अभी प्रीवियसली हमने क्या किया, हमने डाटा को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड इंटरवल्स में हमने उसको अरेंज कर दिया. देन हाउ टू फाइंड द मीन. समेशन एफ, ठीक है, याद कैसे रखना है इसको, समेशन फिक्सी अपॉन फी एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. गॉट इट. किया हुआ ये भी फॉर्मूला एफ आई एक्स आई वाला, नहीं किया हुआ, ओके मैं बता देती हूँ. ये पहले वाला तो जो है हमारा, अगर हमें रॉ डाटा गिवन है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बट इन केस अगर मुझे डाटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे f की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी x और f की वैल्यूज होंगी उनका प्रोडक्ट ले लेना है f इंटू एक्स. किया हुआ है, चलो इट्स ओके. उसके बाद इनका सम टोटल करोगे. अब क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू है तो इनको जब हम डिनोट करते हैं हम आईज से डिनोट करते हैं. सो दिस इज समेशन फिक्सी अपॉन समेशन फी, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से आप इसको डिवाइड कर देते हो. ठीक है, तो दैट विल गिव यू क्या देता है वो आपको, मीन. मीन को डिनोट किससे करते हो आप, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर आप लगा देते हो बार. दिस सिंबल इज फॉर बार. तो एक्स बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर मीन एंड दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. आईज जो है दैट आर डिफरेंट नंबर्स, फर्स्ट इंटरवल्स, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू. ये तो था आपका डाटा अनग्रुप्ड आपको गिवन है. वेन एवर द ग्रुप्ड डाटा विल बी गिवन, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको गिवन होंगी. अभी हम सिर्फ फॉर्मुलेज पे कंसेंट्रेट कर रहे हैं, लेटर ऑन वी विल डू द क्वेश्चंस. अब एफ एक्स क्या लू मैं, इसमें एक्स की वैल्यू क्या लू. हाँ, हम इस केस में क्या करते हैं, क्लास विड्थ निकाल लेते हैं. That is denoted by x size 5, 15 and 25. Class width निकालने के लिए क्या करना है, क्लास विथ नहीं होगी, दिस विल बी द क्लास मार्क. क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, 20 प्लस 30 दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25. दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2. तो क्लास मार्क्स आप निकाल लोगे, देन कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से अगेन आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी आपका फॉर्मूला ये सेम रहेगा. ठीक है, चलिए पहले इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4. द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस. 10 मैचेस की एक सीरीज हुई, उसमें एक टीम ने ये स्कोर्स किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. तो व्हाट इज द, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड. सिर्फ पहले अभी हम मीन पे कंसेंट्रेट करेंगे. मीन क्या आएगा, ये कौन सी फॉर्म ऑफ डाटा आपको गिवन है, और रॉ डाटा. ठीक है, दिस इज द रॉ डाटा. अनग्रुप्ड में क्या होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको साथ में गिवन है. तो इसमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नहीं है, डाटा रैंडमली लिखा हुआ है, तो दिस इज द रॉ डाटा. चलिए बताइए सम ऑफ नंबर्स क्या आया आपका. This is your question number one, exercise 14.4. This is 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. हाँ जी, mean हम निकाल रहे हैं सबसे पहले. Mean is equal to sum of observations divided by number of observations. चलिए कितना आया सम, 28 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 10. तो व्हाट विल बी द मीन, 2.8. सो मीन जिसको आप डिनोट करोगे एक्स बार से. ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन सेम है, मीडियन एंड मॉड वी विल डू लेटर ऑन. उसके बाद है आपका द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. चलो अब मीडियन के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लेट अस डिस्कस मीडियन आल्सो. एक्सरसाइज फिर हम मंडे करेंगे. मीडियन में देखो डाटा को हम अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आप डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होगा. पहले उसको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन, अरेंज द डाटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. देन यू आर टू चेक द नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट कैन बी ऑड और दैट कैन बी इवन. अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है देन देयर विल बी सिंगल मिडल टर्म, ऑड में सिंगल मिडल टर्म, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ विच टर्म, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म. देखो टू से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले ये अगर आपका ऑड नंबर है इसको हमें इवन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने प्लस वन किया. फिर जब आप उसको टू से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो मिडल मोस्ट टर्म होगी वी विल गेट दैट. और मीडियन यू नो दैट इज द मिडल मोस्ट टर्म. जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन मतलब वी विल बी हैविंग टू मिडल टर्म्स, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय मीडियन. उस केस में क्या होगा, मीडियन विल बी मीन ऑफ कौन कौन सी टर्म, ये ऑलरेडी इवन है तो एन बाय टूथ टर्म एंड एन बाय टू प्लस वनथ टर्म. जो आपकी इवन नंबर है, मान लो आपको नंबर ऑफ टर्म्स 12 गिवन है तो 12 बाय 2 यानी कि एक तो सिक्स टर्म, एक इससे अगली टर्म सेवेंथ टर्म. तो सिक्स टर्म मैंने कैसे निकाल ली, 12 बाय 2 यानी कि एन बाय टूथ टर्म, ठीक है. और उसके बाद सेवेंथ टर्म उसमें प्लस वन किया यानी कि एन बाय टू प्लस वनथ टर्म. और इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी उसका आपने मीन निकालना है. गॉट इट, मतलब इन टर्म को ऐड करके बाय टू नहीं करना, इन प्लेसेस पे जो आपकी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके बाय टू करोगे, दैट इज योर मीन. क्योंकि दो टर्म्स हैं दोनों को ऐड करके बाय टू कर दोगे तो दैट इज द मीन. गॉट इट. तो मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी कैलकुलेटेड बाय मीन ऑफ एन बाय टूथ टर्म एंड एन बाय टू प्लस वनथ टर्म. ये टर्म है तो जो भी इस प्लेस पे वैल्यू होगी दैट यू आर टू टेक, यानी कि सिक्स और सेवेंथ पोजीशन पे जो वैल्यूज होंगी उन दोनों को ऐड करके बाय टू. मीन का मतलब क्या है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके बाय टू. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मीडियन बताइए क्या बनेगा, पहले इनको अरेंज करो, जीरो वन टू देन फोर टाइम्स थ्री देन फोर एंड देन फाइव. कितने टर्म्स हैं, टेन. कितने मिडल टर्म्स बनेंगी, वन और टू. बोलो एक बार क्या क्या है नंबर्स आपके, जीरो वन टू फोर टाइम्स थ्री फोर एंड फाइव. टेन है आपकी टर्म्स, तो टेन बाय टूथ टर्म एंड टेन बाय टू प्लस वनथ टर्म, इनका मीन, दैट इज द मीडियन. सो दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म. अब फिफ्थ टर्म क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दोनों सेम है यहाँ पे तो नेचुरली दे विल गिव यू द सेम आंसर. सो मीन ऑफ थ्री एंड थ्री टेन है, फोर टू टाइम्स एग्जिस्ट करते, फोर इज एग्जिस्टिंग टू टाइम्स. ये देखो ये फोर टर्म्स इधर से रहेंगी आपकी और फोर टर्म्स इधर से, ठीक है. तो क्या आएगा, मीन ऑफ थ्री एंड थ्री इज थ्री प्लस थ्री बाय टू दैट इज सिक्स बाय टू दैट इज थ्री. तो मीडियन ऑफ दिस डाटा कितना आ गया आपका, थ्री. मॉड इज द क्या होता है, मोड मोस्टली अक्रिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी है दैट इज थ्री. तो मॉड इन दिस केस विल बी थ्री. सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस डाटा. मॉड बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्विकली.
41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60. Which is the most occurring number over here? That is 52. So mod aa jayega 52. Mean sum of observations divided by 2. And median ke liye 15 students hain. Arrange them in ascending or descending order. And the middle most frequency, yani ki jo 8th hoga, 15 plus 1 by 2. So 8th value jo hogi, that will be your answer. So first and second question, as well as third question, as well as four. First four questions jo hain that you are to do. In your homework notebooks, you will do second, third, and fourth question. Got it? Rest of the questions we will do on Monday. First, hum kar hi chuke hain. First, you need not do in the fair notebooks. Question number 2, 3, and 4, you will do in the fair notebooks. So, if any doubt is there, bache, you can.